हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डॉल्फिन कंपनी का इंडक्शन कुकर इंफ्रारेड इंडक्शन चूल्हे के बारे में बताने वाला हूं, किस प्रकार का ये है। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्सिंग कर लिया हूं और आप लोग को दिखाने वाला हूं किस प्रकार का है और कितना वाट का है आप लोग को है। तो आप लोग देख सकते हैं ये डॉल्फिन कंपनी का है इंडक्शन कुकर इंफ्रारेड। तो इसका मॉडल कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इसका कंट्रोलिंग पैनल यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्स कर लिया हूँ और आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से। देखिए मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं काफी स्मूथ है, ऊपर से देख सकते हैं इसका टच पैनल यहाँ पर है। आप जिस प्रकार से अपना कुकिंग मेन्यू इस पर दिया गया, किस प्रकार से आप लोग करना चाहते हैं, फ्राई करना चाहते हैं, सूप बनाना चाहते हैं, लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका पैनल का लुक है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका कंट्रोलिंग पैनल आप लोग को दिया गया, टच पैनल है, आप टच करने पर ये काम करता है। और इसका ये हीटिंग का कंट्रोलिंग है, ये आपको जो आता है इंफ्रारेड कुकर तो आप लोग के 2000 वाट का ए इंफ्रारेड कुकर है। इसका प्राइस आप लोग को 2500 रुपया आप लोग को ऑफलाइन मिल सकता है। आप जाते हैं इस कंपनी का, अगर आप दूसरे कंपनी में लेते हैं तो उसका प्राइस कंपनी के अनुसार आप लोग को ऊपर नीचे हो सकता है। जो अभी फिलहाल मैं ले आऊँ आप मुझे 2500 रुपये का पड़ा इंफ्रारेड कुकर डॉल्फिन का। तो देख सकते हैं इसका बैक साइड भी मैं आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ किस प्रकार से इसका है बैक साइड। तो देख सकते हैं बैक साइड एक फैन लगा हुआ है और यहाँ पर हीटर है जो आप लोगों को कुकिंग करने में सहायता करता है हीट होकर। और कुछ इस प्रकार से ये है, इसका ये पावर केबल है। तो बैक साइड कुछ ऐसा है, चलिए मैं फ्रंट अप साइड आप लोगों को पावर इसमें देखकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस प्रकार इस पर कुकिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि टच पैनल के साथ आप लोग का आया है। दूसरा खासियत यह है कि आप जो आप इंडक्शन यूज करते थे तो उस पर आप लोग को पूरा बर्तन नहीं सपोर्ट जो बर्तन को करता था, उसी प्रकार से आप इसमें कोई भी बर्तन आप इस पर रख कर कुकिंग कर सकते हैं, कोई भी बर्तन आप आए सपोर्ट कर दे, क्योंकि ये इंफ्रारेड कुकर कुकटॉप है तो आप लोग इस पर इजी रूप से आप लोग कुकिंग कर सकते हैं, कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। दूसरा इसका खासियत है कि टच पैनल के साथ आया है तो आप लोग को काफी इजी पड़ेगा इस्तेमाल करने में। चलिए मैं आप लोग को इसको यूज करने किस प्रकार कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसे पावर देता हूं और आप लोग को बताता हूं किस प्रकार इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं यहां पर जब मैं पावर दिया तो यहाँ पड़ा अभी ऑफ है मेरा, तो इसे आप लोग टच कीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन होने के बाद आप लोग का यहाँ पर शो होने लगेगा, ये ऑन हो चुका है। उसके बाद ये आप लोग इसका कंट्रोलिंग कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करने के बाद यहाँ से आप लोग इसका बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से आप यूज करना चाहें इसका यहाँ पर। तो आप लोग सबसे पहले चॉइस कर लेना आप क्या इसमें पकाने वाले हैं उसी प्रकार से। तो चलिए मैं देख सकते हैं यहाँ पर मेरा हीटिंग का कंट्रोलिंग है, इसे मैं बैक साइड यहाँ से करूँगा तो ये मेरा कम भी होते जाएगा। देख सकते हैं जितना मैं कम करना चाहूँगा उतना कम हीटिंग हो रहा है यहाँ से कंट्रोलिंग करने के बाद। देख सकते हैं जितना मैं बढ़ाना चाहूँ और देख सकते हैं ये टाइमर सेटिंग भी आप लोग का जितना का टाइम लगाना चाहते हैं उस प्रकार से। देखिए 50 सेकंड का तो 50 सेकंड, 49 सेकंड का, हाफ मिनट में लगाना, 1 मिनट का, 2 मिनट का, इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं टाइमर भी। तो ये टाइमर सेटिंग करने के लिए यहाँ पर है, देख सकते हैं। और अब जिस प्रकार से कुकिंग करना चाहते हो उस प्रकार से आप लोग को सिलेक्ट करना है टच पैनल से, काफ़ी ईजी हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरा जो अभी इंफ्रारेड कुकर था वो काफ़ी हीट हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल लाइट इसमें आ चुका है, ऊपर से काफ़ी हीट मार रहा है, देख सकते हैं आप लोग को। इस प्रकार इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं मैं यहाँ से कंट्रोलिंग कर इसे कम कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये काफ़ी कम हीट हो गया, जब इसे मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ तो देख सकते हैं काफ़ी हीटिंग होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं पूरा रेड हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग कम भी कर सकते हैं अपना, देख सकते जब यहाँ मैं फुल कर दिया तो देख सकते हैं काफ़ी ये हीट हो चुका है, जब यहाँ से मैं कम करता हूँ तो एक कम हीट होता है, देख सकते हैं।
यहाँ से आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से ऑन ऑफ का भी है, ऑफ भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए ऑन हो गया, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी कितना गर्म है, धीरे धीरे ठंडा भी हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग को। जब ठंडा होने के लिए रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ठंडा भी हो रहा है। तो आप लोग जब यूज कीजिएगा, जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप लोग बंद मत कीजिएगा, ऑन ही रखिएगा और सिर्फ टेम्परेचर को कम कर दीजिएगा। और यहाँ से तो देख सकते हैं धीरे धीरे आपका टेम्परेचर ये डाउन कर देगा खुद ही। और इस पर हाथ टचिंग मत कीजिएगा, काफ़ी ये हीट रहता है पैनल आपका, तो ये बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस यही था दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो देख सकते